In this sum, Mr. Hiralal, he invested 2,15,000 in a mutual fund. Okay. He got rupees 3,05,000 after 2 years. This is the first condition that we have to see. Okay. The second condition given to us is Mr. Ramniklal invested 1,40,000 at 8% compound interest for 2 years in a bank. Time period dono ka same hai. Lekin हमको जो फाइंड करना है, फाइंड आउट द परसेंट गेन ऑफ ईच ऑफ देम एंड हुज इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल. ओके, सो व्हाट वी डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो फॉर द प्रॉफिट अर्न बाय मिस्टर हीरालाल. मिस्टर हीरालाल प्रॉफिट इज इक्वल टू final amount minus the investment. ठीक है, final amount कितना मिला था उसको, 3,05,000. माइनस ओके, उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,15,000 का. सो व्हाट इज इस प्रॉफिट, यहाँ से कैरी करेंगे 10 में से 1 गया, 9 एंड देन 9,000 रुपीज वॉज हिज प्रॉफिट. ठीक है, अब हमको जो फाइंड करना है, फाइंड आउट द परसेंट गेन ऑफ ईच ऑफ देम, परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है. तो परसेंट प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. प्रॉफिट कितना है, इट इज 90,000. इन्वेस्टमेंट कितना था उसका, इन्वेस्टमेंट था 2,15,000 का. परसेंटेज निकालना है इसीलिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके ये दो जीरोस इसके साथ और ये वाला जीरो इसके साथ कट हो गया. आपके पास बचा है 9,000 डिवाइडेड बाय 215. सो लेट अस डिवाइड दिस 9,000 बाय 215. सो 215 इट शुड, वी शुड गो फॉर 4 बिकॉज 4 टू ज़ा इज 8. सो यू विल गेट 5 4 ज़ा 20 एंड 860, राइट. सो यू गेट 0. Then 10 minus 6 is 400. Okay. Then 215 because if we go for 3 or 2, it will be greater than 400. So 215 you are left out with 5. Yahan pe 9 hai, 9 mein se ek gaya, kitna 8 bachega aapka. और यहाँ पे 3 था तो 1 बचा. डेसिमल डालना पड़ेगा क्योंकि ये जो रिमाइंडर है डिवाइजर से छोटा है. 1 0 आप ले लेंगे. 0 लेने के बाद 8 2 16 होता, 9 2 18, ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा 9 अगर लेंगे तो. आप तो 8 लीजिए. आप 215 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1720. ठीक है, 0 यहाँ पे बचा, 3 यहाँ पे बचा, 1. फिर एक जीरो लगा दिया आपने, 1300 हो गया. अब 1300 के लिए अगर आप 2 से वो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और 7 2 14 होता, तो 6 लेना पड़ेगा आपको. 6 5 30 कैरी 3, 6 1 6+3 9 एंड 6 2 12. ओके, रिमाइंडर इज नाउ 0. 10 में से 9 गया 1 एंड 10 बचा आपके पास. अब आपको 0 लगाना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा. सो दिस इज अराउंड हाउ मच, इट इज 41.86. सो प्रॉफिट फॉर हीरालाल इज हाउ मच, 41.86%. ये हो गया आपका हीरालाल का प्रॉफिट गेन. नाउ वी कम टू
मिस्टर अमनिक लाल्स इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट उनका किस तरीके से था, देखो ही इन्वेस्टेड रुपीज 1,40,000 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। यानी अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट द फॉर्मूला इज दैट अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100^2। आई होप यू रिमेंबर दैट। सो फॉर मिस्टर अमनिक लाल his investment, that is amount is how much, 1,40,000 then rate is 8% per annum and n is 2 years. Okay, so now we have to find out sorry, this is not the amount, this is the principal. So amount is equal to principal into 1+R/100^n. Principal is 1,40,000. 1 plus rate of interest is 8/100^2. So this will give you 1,40,000 multiplied by 100 ones are 100. 100 plus 8 is 108. How many times? 2 times. Why 2 times? It is raised to the power 2. ठीक है, ये मैंने प्रोलॉन्ग नहीं किया है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 100 plus 8 becomes 108/100, कितने बार है, रेस टू द पावर 2, इसलिए दो बार आपको मल्टीप्लाई कर। तो अब आपके चारों जीरो इसके साथ कट हो गए। नाउ यू आर लेफ्ट आउट विद 14 × 108 × 108। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 108 को दो बार। सो इफ यू मल्टीप्लाई 108 with 108, 8 8 is 64, 8 1 is 8, फिर 0 से 0 0 0 and then with 1 8 0 1, so 4 6 6 1 1. Okay, so how much is the amount, what is the square of 108? It is 11,664. Now we will have to multiply it with 14. सो 14 के साथ अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 4 16, 6 4 24 and 125, 6 4 24 and 26, 4 1 4 + 2 is 6, 4 1 4. ठीक है, 1 4 4 1 6 6, 1 6 6, 1 1 1 1 1 1. ये हो गया 6 9 12 13, 5 और 1 6, 16 1,63,296. Fine. So this is the amount he is going to get, 1,63,296 after 2 years. Fine. Now what do we have to find out, the compound interest. What is the formula now for compound interest? Compound interest is amount minus the principal. Right. So now we go for amount compound interest is equal to amount minus principal. Amount कितना था उनका, देखिए the amount that he got, Mr. Amnik Lal, he got 1,63,296 and what was his principal? The principal was 1,40,000. This is the principal. Okay, so 1,40,000. So you have the interest that he is getting is 23,296 rupees. This is his compound interest. ठीक है, अब ये compound interest पे हमको क्या निकालना है, percentage gain या percent profit, है ना? So percent gain will be equal to the interest upon the investment multiplied by 100. So interest is 23,296, investment is 1,40,000 and you have to multiply it with 100. Okay, so both your zeros are cancelled, you are left out with 23,296 divided by
1400। चलो देख लेते टू से जाता है शायद। सो बाय टू इफ यू गो फॉर टू 700 सा एंड दिस विल बी टू 1s are 2, टू 1s are 2, टू 6s are 12, टू 4s are 8 एंड टू 8s are 16। ठीक है, इट इज 11648 डिवाइडेड बाय 700। तो हम क्या करते हैं, ये 700 से ना डिवाइड करके 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 700 सा, ठीक है, 700 सा, 7 1s are 7, रिमाइंडर कितना बचा, 11 में से 7 गए, 11 में से 7 आपका चला गया, तो बचे 4। करो इधर डिवाइड, अगर अपने को ओरली नहीं जमता है तो लेट अस डिवाइड हियर। 11648 डिवाइडेड बाय 7, 7 1s are 7, 7 3 10 6, 46, देन से 7 6 are 42, सो यार 42 बचा 4, फिर 4 निकालेंगे आप, ओके, देन 7 कितने जा, फिर 7 6 are 42 पे आ जाएंगे आप, सो 7 6 are 42, रिमाइंडर इज 2। अब आप 7 कितने जा, 28, 7 4 जा 28, सो यू हैव 1664, सो 1664 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट 16.64। सो व्हाट इज दिस परसेंटेज गेन, तो परसेंट प्रॉफिट और गेन ऑफ रमनिक लाल इज 16.64%। अब कंपेयर कर लीजिए, प्रॉफिट फॉर हीरा लाल इज 41.68 एंड प्रॉफिट ऑफ रमनिक लाल इज 16.64। तो हुज क्वेश्चन इज हुज इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल, सो हीरा लाल्स इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल एज प्रॉफिट अर्न्ड बाय हीरा लाल इज मोर देन मिस्टर रमनिक लाल, देयरफॉर हीरा लाल्स इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल ओके, हुज इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, मिस्टर हीरा लाल्स इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल।